हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉगर भावना। कैसे हैं आप सब लोग? और देख सकते हैं मेरा फेस, सच में बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। हॉस्पिटल भी हुआ ही, बट तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। बट थोड़ा सा आज थोड़ा सा सही फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, कल परसों या कल एक बार छोटी सी वीडियो बनाई थी, बट मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग भी नहीं शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, रुचिकेश व्लॉग, रुचि जिन्हें आप जानते हैं उनके लिए। तो कल मेरे को एक्चुअली कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा कल सही फील कर रही थी, तो रात को बड़े आराम से और अच्छे से सोई थी। तो मैंने कल तो नहीं, आज मॉर्निंग में वीडियो देखी, और मैं मतलब देख के मुझे बहुत वो अजीब लगा यार। आप लोग ऐसी चीज़ सोचते हो कि हर किसी को अपने पर्सनल मैटर में, मतलब क्यों किसी के पर्सनल मैटर में बोलना किसी को? और ये ऐसा टाइम चल रहा है ना, सब अपने बारे में, मतलब सब अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं। आप लोगों में से कोई ऐसा चाहेगा, कोई भी बंदा हो ऐसा चाहेगा कि मैं या मेरी फैमिली बीमार हो जाए या हमें कुछ ये बीमारी लग जाए? इस टाइम सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। और कुछ हम लोग घर पर रहकर मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, बहुत स्ट्रेस में हो गए हैं। कई बार ऐसा लगता है सारा दिन न्यूज़ देखते रहें, कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ थी, हम एक बार बिल्कुल उस लाइफ से हट चुके हैं और एक अलग ट्रैक पर है, जो ने अभी तक भी कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखना पड़ रहा है, तो फेस करना पड़ रहा है। तो मैंने देखा कि किसी बंदे ने कमेंट किया था कि आप लॉकडाउन का मतलब नहीं समझते, आपके घर पे आपकी फैमिली आ रही है, और क्या कहते हैं, आपने एसी इंस्टॉल करवा लिया। यार वो लोग भी तो अपने बारे में सोचते होंगे ना, कोई बंदा ऐसा होगा जो सोचता हो कि मैं बीमार हो जाऊं या मुझे ऐसी, मैं अपनी पर्सनल चीज़ बताती हूँ कि 20 की बात है, ये मेरे घर में मेड आ रही थी 20 को, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को भी लोग बोलने लगे मेड हटाओ, बहुत रिस्की है, ये है वो है। तो मैंने कुछ भी नहीं, चलो ठीक है, मैंने अपनी मेड हटा दी, मैंने उस मेड को बिल्कुल मना कर दिया। उसने बोला भी, जो मेरी मेड है वो खाली उसकी मदर और वो अकेली दोनों रहते हैं, और उनके घर में कोई, उनका भाई नहीं है, उसके पापा नहीं है, कोई नहीं है, वो दोनों लोग अकेले रहते हैं, कहीं नहीं जाती वो, कहीं नहीं आती, और बिल्कुल जस्ट बहुत पास में, नियर जस्ट 5 मिनट का रास्ता है वॉकिंग डिस्टेंस, उसको किसी ऑटो से नहीं आना, उसे किसी चीज़ से ट्रैवल नहीं करना। लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं, सिचुएशन ठीक नहीं है, आप मत आओ, ठीक है। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे, मैंने आपके साथ कल वाली वीडियो में शेयर भी करा था, मुझे अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा, मुझे इतने सारे इंजेक्शंस भी लगे, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर ना चाहते हुए भी मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड ने, मेरी मम्मा ने डिसाइड करा कि नहीं, हम अपनी मेड को बुला लेंगे। उसको, उससे मैंने सारी चीज़ें पूछी पहले, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर ने, कि तुम्हारे कोई कुछ है, कहीं तुम जाती हो कहीं बाहर? वो बोली नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाती, इवन मैं तो बाहर भी नहीं निकल रही और कहीं भी नहीं, सिर्फ आप ही के यहाँ आऊँगी। तो मैं यही, मतलब फिर मुझे ना चाहते हुए भी उसको कल बोलना पड़ा कि आप आ जाओ, और वो कल आई। और तो यार, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग के हाथ में नहीं रहती। सब लोग इतने वेल एजुकेटेड हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, हर एक बंदा अपनी फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, हर एक इंसान अपने बारे में अच्छा ही सोचता है। कभी आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा है कि कोई इंसान अपने बारे में सोचे हम बीमार हो जाएं? सब लोगों को लॉकडाउन के बारे में पता है और अच्छे से उस चीज़ का हम लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, ना चाहते हुए भी हमें नहीं करना पड़ता। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी मेड बिल्कुल भी आए, लेकिन मेरी तबीयत एकदम से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमें बुलाना पड़ा। और हम लोग तो इवन घर से बिल्कुल नहीं निकलते, 2 दिन में एक बार निकलते हैं, दूध ब्रेड सब जो डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं वो ले आते हैं। और इवन हमारे 2 घर हैं, दोनों में से एक ही घर में से बंदा जाता है, दूसरे मेरी मम्मी और मेरे बेटे को तो पूरा मंथ होने जा रहा है, वो लोग तो निकले ही नहीं है। आई थिंक 7 को मेरे बेटे के स्कूल बंद हुए थे, और आज देखा जाए तो आज 9 है, तो उसके बाद से मेरा बेटा और मेरी मदर तो निकले ही नहीं है। तो आप लोग कौन होते हो किसी के पर्सनल मैटर में बोलने वाले? सब उनका छोटा बच्चा है, ही शी नोज़ वेरी वेल कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आप मेरे को
सच में मैं वीडियो देखकर ना अपने हस्बैंड से तुरंत मैं बेड पे बैठी थी, मैं खड़ी होकर ना इनसे किचन में डिस्कस करने लगी कि लोगों को अगर कोई बंदा अपनी पर्सनल लाइफ दिखाता है ना जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, उसमें इंटरफेयर करने के लिए, उसमें आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं। और सब अपने बारे में बहुत, या तो कुछ ऐसा ही गलत कर रहे हो कि बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो, बिल्कुल भी सही नहीं हो, या आप लोग सोच रहे हो कि नहीं ये बहुत, तो यार आप लोग फ्रेंड हो, हम लोग के फैमिली जैसे हो, हम यूट्यूब पर दिखाते हैं तो हम सब लोग फैमिली मानते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि नहीं ऐसा हो जाता है। बट इस माहौल में सब मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, उसके बाद ऐसी बात करना बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। और मैं तो मतलब इतनी चीज, इतना वो करती हूँ, मैंने हैंड सैनिटाइज़र ही बाहर रख दिया कि तुम सैनिटाइज करके आना, अपने डोर के, मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करा था, डोर के लॉक सैनिटाइज करती हूँ टू थ्री डेज में। तो वीडियो को देखो, एंजॉय करो, अगर कुछ ऐसा लगता है, और यार अगर बाहर नहीं जाएंगे ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, दूध है, सब्जी है, चलो सब्जियां तो गली में आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है जिसकी कोई हद नहीं, हम लोग अननोन सब्जी वाले से सब्जी तक नहीं ले पा रहे हैं। मेरी आपने एक बैक वीडियो में देखा होगा, मैंने शेयर करा था कि कुछ लोग इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से अब हमें सब्जी लेते हुए भी अननोन किसी से डर लग रहा है, तो हम लोग चाहते हैं जाकर हम जहाँ से सब्जियां लेते हैं वहीं से ही परचेज करें। मैंने सोचा तो पहले तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन, मुझे लगा कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए, और मतलब इस माहौल को देखते हुए ना मैं तो सब लोगों को बोलना चाहती हूँ कि सब अपना अपना खुद से ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अगर ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं तो उनको भी पूरे प्रिकॉशन के साथ करें। टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर कितने नेगेटिव कमेंट आने वाले हैं इसको लेकर, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा सीरियसली कि मुझे इस बारे में वीडियो बनाने चाहिए। सच में बच्चे भी हमारे इतने ज़्यादा परेशान हो गए, अब बोलते हैं गली में लेकर खेल रहे हैं, गली में नहीं लेकर जाएं, कहाँ जाएं। और वैसे भी जिनका घर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे होता है वो लोग बार बार हर चीज़ के लिए छत पर तो नहीं जाएंगे, चलो मैं तो थर्ड फ्लोर पर रहती हूँ, मैं चल एक जीना चल के मैं छत पर पहुँच जाती हूँ, बट जो बंदा ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। गेट पर खड़े हो रहे हैं, अपने बच्चे को खिला रहे हैं, उसमें आप लोग क्यों फालतू में इतनी बातें बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे सीरियसली नहीं समझ आया। और पता नहीं कि आप लोगों के उल्टे सीधे कमेंट्स आए तो मैं कैसे फेस करूंगी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, एंड थैंक यू। प्लीज़ आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, जो भी करें पूरे प्रिकॉशंस के साथ करें और अपना ध्यान रखें।